भाई देख, हम दोनों की पढ़ाई तो खत्म हो गई। हाँ। अब हम दोनों चले विदेश और वहाँ बिजनेस किया जाए। देख भाई, बिजनेस में अपनी कोई रुचि है नहीं। हम तो जाएंगे अपने गांव और माँ बाप के साथ रहेंगे और वहीं खेती बाड़ी करके अपना चैन से जिंदगी बिताएंगे। भाई यार तू गलत जा रहा है, खेती बाड़ी में कुछ रखा नहीं है। चल हम दोनों चलते हैं वहाँ विदेश में बिजनेस किया जाए। रहने दे यार भाई, मैं नहीं जाऊँगा। सोच ले भाई, देख तेरे पास अभी टाइम है, आखिरी बार कह रहा हूँ, चल साथ दोनों चलते हैं। देख ले भाई, मैंने सोच लिया है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अपने घर पर ही रहूँगा। ठीक है, तुमने सोच लिया है? ठीक है भाई। चल ठीक है भाई, 5 साल बाद मिलते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा सक्सेस होता है। चल ठीक है भाई, मिलते हैं भाई, देखते हैं। हाँ सर। अरे एक काम हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा आपका काम, बताइए सर। तो प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, गांव में लगाना है, फैक्ट्री है। हाँ सर, हो जाएगा, जी सर हो जाएगा आपका काम, लगभग 6 महीने लगेगा सर आपका। अच्छा। और सर लमसम 250-300 करोड़ आपका खर्चा पड़ेगा सर। कोई बात नहीं, काम हो जाना चाहिए। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा सर। ओ रामजीत। हाँ सर। काम तो बहुत अच्छा मिल गया है यार, मन लगा के काम किया जाएगा। जी सर। ठीक है, एक काम करते हैं, चल यार पास के गांव में मेरा एक दोस्त रहता है, चल उससे मिल के आते हैं यार। मैं 5 साल हो गया पूरा उसको यार वादा दिए थे मिलने का, आ चलते हैं मिलने। चल गाड़ी निकाल यार। हराम हो गया हो तो जरा खेत में जाके काम कर लो। ठीक है। बहुत पसीना था। सर आप चलो, थोड़ा हम आ रहे हैं, आप समझा करो। चलो आप आ रहे हैं। अरे ओ भाई, ओए ओए, डीके कहाँ है? मिलना था उससे। अरे भाई वो खेत में काम कर रहा है, बुला के लाओ। बैठो, अभी बुलाता हूँ, बैठो। यार इसी बैठा रहो, इतने गंदे चीज बात करते हो। ओ डीके, डीके भाई आ जाओ, कोई आया है आपसे मिलने। अरे राहुल भाई। अरे आप बोल रहे हो यार, इतने कीचड़ लगा के चले आ रहे हो सीधे, इतने धूल मिट्टी लगाए हुए, देख रहे हो मेरे कपड़े ब्रांडेड है सब, दिखाई दे रहा तुम्हें। तू रह गया यहीं के यहीं, मेरे बारे में जानता है? अबे छोड़, तू क्या जानेगा, तेरे छोटे से गांव में फैक्ट्री लगा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तू अपना दोस्त है, आ जाना, तुझे 2000 एक्स्ट्रा पगार दूंगा। भाई इतना बोल के चला गया, कुछ बोले नहीं। भाई समय समय कहानी है। सर आप इतने परेशान क्यों हैं? यार क्या बताएं यार रामजीत, यार मैं प्रोजेक्ट यार बहुत बड़ा ले लिया यार, उसके लिए जगह कहीं नहीं मिल रही यार मुझे, और यार मैं अपने एक दोस्त को वादा भी दिया था यार, क्या बताएं यार, बहुत परेशानी है। तो सर यहीं इसी गांव में हमारा एक दोस्त है, तो वहाँ से चलते बात करते, उससे जान कुछ काम बन जाए। चलो यार तुरंत चलते हैं यार, तो बात करो यार, हो जाए तो काम अच्छा। सर इसके लिए आपको ही जाना पड़ेगा। चलो चलो साहब, तो चलोगे? हाँ हाँ चलेंगे। ठीक, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सरपंच जी हैं? हाँ है। सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते सरपंच जी, मुझे जमीन चाहिए आपके गांव में, फैक्ट्री लगानी थी, इसलिए मैं आया था।
सर आप किससे बात कर रहे हैं? सरपंच वहाँ बैठे हैं, उनसे बात करिए। ये तो किसान है। क्या कब से किसान किसान लगा रखा है? जब से आया तब से किसान ही किसान लगा रखा है। कलम हमारे हाथ में भले ही नहीं हो ना, पर जोर उतना ही है। आज जब छाती पर पड़ता है ना, फसल उगाती है, और जब ये छाती पर पड़ता है तो ना छाती फट जाती है। क्या पैसा पैसा लगा रहे हैं? जितने का आपका फ्लैट उतने हमारे यहाँ दरवाजे लगते हैं। एक बात सुन, चींटी भले ही छोटी होती है ना, जब हाथी के सूंड में जाती है ना तो हाथी भी बिलबिला उठा। किसी के कपड़े और पहनावे से इसके ऊपर मत जाया कर। भले ही हम गरीब है पर अपने घर में चैन से रहते हैं। तुम बड़े हो गए अपने घर के, जाओ यहाँ से, चल जाओ। अबे सुन, सुन। राम राम। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, शेयर और लाइक भी करिएगा।